दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरूद के पौधे के बारे में। अमरूद का पौधा हम सभी अपने घर में लगाते हैं और लगाने के बाद ही हम जानना चाहते हैं कि अमरूद के पौधे में किस तरह का फर्टिलाइज़र दिया जाए जिससे जो उसके फल हैं जल्दी आएँ और जब फल आएँ तो उनका साइज़ बड़ा हो और वो बहुत सारे फल हमारे एक छोटे से ही पेड़ पर लग जाएँ। तो इस वीडियो में यही सारी बातें आज मैं कवर करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगा जो कि आप अपने बड़ी आसानी से घर में ही बना सकते हो और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र आपके अमरूद के प्लांट के लिए वो रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको अमरूद का पौधा लगाते वक्त ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात आती है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है मिट्टी। मिट्टी का अगर आप खास ध्यान रखोगे अपने अमरूद के पौधे में तो आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। जब भी आप अपने अमरूद के पौधे को मिट्टी में लगाएं तो आपको मिट्टी कुछ इस प्रकार से बनानी है। 50% आपको अपनी नॉर्मल सॉइल लेनी है यानी कि जो आपके गार्डन की मिट्टी होती है और 30% आपको उसमें मिलानी है रेत जो कि आपकी सैंड होती है और 20% आप उसमें कोई सा भी कंपोस्ट मिला सकते हो, चाहे आप काउडंग कंपोस्ट मिलाओ, चाहे वर्मिक कंपोस्ट या फिर चाहे लीफ कंपोस्ट, कोई सा भी आपको उसमें कंपोस्ट मिलाना है। ये मिक्सचर हमारे अमरूद के प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस मिक्सचर में जो पानी है वो नहीं रुकता और हमारे अमरूद के पौधे को इस तरह की मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी नहीं रुकता। अगर आप इस तरह की मिट्टी बनाओगे जिसमें पानी रुकता होगा तो आपका अमरूद का पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसमें फल भी बहुत कम लगेंगे और जब उस पर फूल आएंगे आपके अमरूद के पौधे पर तो वो सारे फूल गिर जाएंगे और उनसे फल बहुत ही कम बनेंगे। तो आपको मिट्टी इस प्रकार की ही बनानी है जिसमें जो पानी है वो बहुत कम रुके। अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आती है गमला। जब आप अपने अमरूद के पौधे को लगाएं तो आपको गमला बड़े से बड़ा चुनना है यानी कि जितना बड़ा गमला आप चूज़ करोगे उतना ही अच्छी आपका जो फल है वो आएंगे और उतने ही ज़्यादा फल आपके आएंगे। जो मेरा ये गमला है ये है 24 इंच का और ये सीमेंट का गमला है जो कि मैंने ले रखा है। तो ये मैंने बड़े गमले में लगा रखा है इसलिए जो मेरे प्लांट पे फल आते हैं वो बड़े आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और छोटे से छोटा गमला भी आपको 12 इंच का लेना है, 12 इंच से छोटा गमला आपको नहीं लेना है अमरूद को लगाने के लिए अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए। अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हो तो आप छोटा गमला ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फल चाहिए तो आपको बड़ा गमला ही लेना है। और फिलहाल यहाँ मेरे प्लांट पे सिर्फ एक ही फल लगा हुआ है यानी कि इस पे अभी कुछ दिन पहले 6-7 फल आए हुए थे पर लेकिन मेरे घर में रिलेटिव्स आए हुए हैं तो उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही तोड़ लिए तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाया। अभी फ़िलहाल मैंने ये एक ही अमरूद उस पे लगा हुआ है लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस पे 7 या 8 अमरूद आए हुए थे लगभग और वो भी बहुत ही बड़े साइज़ के और साइज़ मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई दिया था। और अब तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि जब आप अपने अमरूद के पौधे को लगाएं तो लगाने के बाद इसको एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इस पौधे को दिन में करीबन 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए क्योंकि फलों वाले पौधों को हम जितनी ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे वो उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे और अमरूद के पौधे को भी सनलाइट बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप ऐसी जगह पर इसको प्लेस करिए जहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सनलाइट मिल जाए और वाटरिंग का भी आपको इसका खास ध्यान रखना है। गर्मियों में आप इसमें 2 टाइम वाटरिंग करिए और सर्दी में 2 दिन में 1 बार यानी कि जब भी आपको इसकी मिट्टी ड्राई लगे आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी, बस इतनी करनी है कि जो मिट्टी है वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए और जब भी वाटरिंग करें तो पत्तों को भी एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर दें। तो चलिए अब जान लेते हैं फर्टिलाइज़र जिसको देख के आपने इस वीडियो को क्लिक करा था। एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप अपने अमरूद के पौधों में अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलिए सीखते हैं कि कैसे इस फर्टिलाइज़र को आपको बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये आनंदा दही का गिलास है जो कि 400 ग्राम का है। तो 400 ग्राम के गिलास में आज मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगा यानी कि जो मेरा प्लांट है उसमें मैं हर एक महीने में ये फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ, चाहे गर्मी का सीज़न हो चाहे सर्दी का सीज़न हो, मैं हर महीने अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देता हूँ सिर्फ अमरूद के पेड़ में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये करीबन आधा गिलास हमारी गाय के गोबर की खाद जो कि बिल्कुल डिकम्पोज हो रखी है, बिल्कुल काली खाद। गाय के गोबर की खाद में हमें सारे जो नाइट्रोजन है वो मिल जाती है क्योंकि थोड़ी सी नाइट्रोजन की भी हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ करीबन 50 से 60 ग्राम अपनी बोन मील। तो बोन मील एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि बोन मील हमारे सभी प्लांट को ज़रूरत रहती है। इसमें फॉस्फोरस होता है और कैल्शियम अच्छी तरीके से इसमें होता है और जब हमारे प्लांट फ्रूटिंग पे आते हैं या फिर फ्लावरिंग पे आते हैं तो उनको फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी और तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ राख, इसमें भी पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
और अगर आपको नहीं पता कि लकड़ी की राख को फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करने के लिए कैसे तैयार करना है, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप यहाँ पे जा कर के ये वीडियो देख सकते हो। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हो, इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, हर कोई इसको बना सकता है, जिसने अभी गार्डनिंग शुरू करी है वो भी बना सकता है, और जो एक्सपर्ट है गार्डनिंग में वो तो बना ही सकता है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ईजी है और बहुत ही सस्ता आपको पड़ने वाला है। अगर आप इसको कॉस्ट वाइज देखो तो 2 से 3 रुपए का आपको फर्टिलाइज़र पड़ जाएगा, और 1 महीने में आप अपने प्लांट पर अगर 2 से 3 रुपए खर्च कर रहे हो तो वो कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू एंड टाटा।